नमस्कार। अभी हम लोग राजेंद्र जी के साथ में हैं और राजेंद्र जी ने अपने दाएं साइड के कंधे का प्रत्यारोपण मतलब शोल्डर रिप्लेसमेंट की सर्जरी कितने टाइम पहले कराई थी उनसे? सर, मैंने 24 फरवरी फरवरी के अंदर कराई थी। पाँच महीने के आसपास हो गए ना? पाँच छः महीने हो गए सर। ठीक है, क्योंकि मेरे 14 जनवरी को एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद 24 फरवरी को हुआ मेरा एक्सीडेंट। पहले तो पैर का ऑपरेशन हुआ, पहले पैर का होता, पैर के बाद में फिर अपन ने कंधे का हाथ का किया था। और हाथ का ऑपरेशन होने के बाद में फिर एक्सरसाइज कब स्टार्ट की थी अपन ने? एक्सरसाइज हमने एक महीने बाद की थी, महीने बाद, क्योंकि टांके अगर निकले थे ना उसके बाद ही किया था। थेरेपी स्टार्ट हुई जी। तो अभी आपके कंधे में कोई दिक्कत? दिक्कत कुछ भी नहीं सर, एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट है कंधे जी। तो एक बार कंधे का मूवमेंट करके दिखाइए, आप दोनों हाथों के करिए, ऊपर करिए, वेरी गुड, सामने से करिए, ऐसे नीचे रख के, नीचे रख के सामने से ऊपर करिए, करिए करिए, ऊपर करिए और ऊपर करिए, वेरी गुड। चलो ठीक है, साइड में से करिए, नीचे रखिए, नीचे रखिए और साइड में से करिए ऊपर दोनों हाथों, ठीक है, करिए ऊपर, ठीक है, पीछे करिए, पीछे जैसे मैंने पहले बताया था ना आपको, पीछे एक सिंगल करना पड़ेगा क्या? हाँ, एक सिंगल करना पड़ेगा, ऐसे नहीं, पीछे घुमा के, हाँ पीछे घुमा के, पूरा पीछे पूरा घूम जाता है ना, ऐसे घुमा के दिखाइए आप, ऐसे घूम, इधर घुमा, घूम जाइए, हाँ ये पीछे आपका पूरा घूम जाता है, ठीक है, सीधे आ जाइए सामने। अभी कोई काम करने में कोई दिक्कत? पूरी काम करता हूँ, सारे काम कर पा, सारे काम। वेट में क्या है, वेट थोड़ा कम उठा ले, वेट भी मैं उठा लेता हूँ, बाल्टी वगैरह उठाना, बाल्टी उठाना, नहाना धोना, काम पूरा टोटल टोटल काम करे। दर्द वगैरह कुछ? दर्द होता ही नहीं सर, कभी जैसे रात को सोता हूँ ना तो करवट बदलता हूँ थोड़ा, कभी कभी होता है माइनस, बाकी वैसे कभी कोई दर्द नहीं। आपको ऐसा लगता है मेरा कंधा बदला हुआ? ऐसा कुछ नहीं लगता, अब नहीं लगता था सर, क्योंकि उस समय टांके में लगे थे ना तो उस समय दर्द होता था, अब कोई दर्द नहीं होता सर, अब कुछ भी नहीं लगता। नॉर्मली क्या, जैसे लोगों को ये जानकारी तो रहती है भाई कि घुटने का प्रत्यारोपण होता है, कूल्हे का प्रत्यारोपण होता है, मतलब जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है, इफेक्टिव चीज है, जिसके होता है ना उसी को पता चलता है क्या होना है क्या नहीं होना है, जिसको नहीं होता उसको क्या पता चलता क्या होता है। तो नॉर्मली ये डर रहता है लोगों के, बहुत डर रहता है कि भाई कंधे का बदलाऊंगा तो कंधा खराब हो जाएगा, क्या पता नहीं मूवमेंट आए नहीं आए। यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, जिसको दर्द कभी हुआ नहीं, एनर्जी के हुआ नहीं, उसको क्या पता चलेगा। अब मेरे को तो मेरे को सारी चीजें पता है कि मेरे साथ कैसे हुआ, और आपने जो मेरे लिए किया वो तो फिर सबसे बड़ी बात है। अब मैं इसके लिए जिंदगी भर क्या जीवन भर ही भूलूंगा क्या आपने मेरे लिए जो किया, मैं तो आपका एकदम वो ये एक्चुअली गलत नहीं है उसमें, परफेक्ट चीज है। अब एक चीज ये है कि कंधे का जो प्रत्यारोपण है, जो जॉइंट रिप्लेसमेंट कहते हैं, वो पूरा सक्सेसफुल एकदम फुल सक्सेसफुल है। रजत जाएंगे से तो फुल परफेक्ट है, दूसरे से तो मैं नहीं कहता, क्योंकि मेरे लिए आप ही महान है, आप ही ग्रेट किए हैं। नॉर्मली हमारे तो यही रहता है कोशिश की भाई आप किसी से भी कराओ, ये कोई जरूरी नहीं है हमसे कराओ, लेकिन ये जो सर्जरी को लेके जो जो भ्रांति होती है ना, उसको पेशेंट को अवेयरनेस रहनी चाहिए, जानकारी रहनी चाहिए। भ्रांतियाँ जिसकी नहीं है, क्योंकि उसके पास वो सब चीजें नहीं है, लेकिन अपने पास तो सब चीज उस समय थी भी और अभी भी परफेक्ट है। और आपके जैसे लोगों से मिले तो बहुत परफेक्ट है, आप तो 100% परफेक्ट है। मैं तो दूसरों को बता भी सकता हूँ कि किडनी में तो ये गुजारा सर, और किसमें आप फुल परफेक्ट जयपुर में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू राजन जी, वेलकम।